चलिए मुझे आप ये बताइए मोनिका कि आपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड चूज किया तो सर्वेयर बनने का आपने क्यों सोचा, व्हाट इज द रीजन? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है सर्वेयर इंटरव्यू, और आपको बताना चाहूंगा सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्वे जो जॉब है इस रिलेटेड टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, और इवन इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत से वीडियोस, इवन सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत से वीडियोस हमने अपने दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस दे रखे हैं। इवन स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस भी आप हमारे चैनल्स पर देखकर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो सिविल इंजीनियर बेस्ड सर्वेयर इंटरव्यू है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सर्वेयर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है कंप्लीट, और उसके बाद मैं टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस आज पूछूंगा आपसे। यस सर, सर्वेयर को हम जियोमेटिक्स एंड लैंड सर्वेयर भी कहते हैं, और इनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है। सर्वेयर का काम होता है जमीन के बाउंड्री बनाना, और किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट बिल्डिंग और जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें सर्वेयर की जरूरत पड़ती है, ताकि वह सर्वे करके बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को बनना उनका सुनिश्चित किया जा सके, और ये साइट से रिलेटेड जो भी विवरण है उनको रिकॉर्ड रखने का कार्य करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डिजाइन फ्रॉम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड टेकिंग मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन एंगल्स ऑन ए प्रॉपर्टी एंड सेक्शन ऑफ ए लैंड एंड रिसर्चिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कोलाबरेटिंग विद इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज क्रिएटिंग मैप्स ऑफ मेजर्ड प्रॉपर्टीज एंड एक्सेट्रा। उन्हें क्या स्किल्स क्या चाहिए, मान लो हमें इसके सर्वेयर बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए? सर, इसमें बहुत सी स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे हमें डिग्री होनी चाहिए जियोमेटिक्स सिविल इंजीनियर या जियोफिजिक्स, और ये इससे रिलेटेड जो फील्ड है इसमें हमारी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अंडर ए लाइसेंस प्रोफेशनल सर्वेयर एंड वैलिड पीएस लाइसेंस एंड प्रोफिशिएंस विद जी सी ए डी एंड जी आई एस जिस फुल फॉर्म जी एस सॉफ्टवेयर लाइक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सर, इसके अलावा हमें जो मैथमेटिक्स स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए हमें ब्लूप्रिंट को रीड करने की, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंड सर्वेयर टूल्स का, जैसे कि डिस्टेंस मेजरिंग का, वेज का, लेवल्स का और प्लम्ब बॉब्स का, इससे रिलेटेड जो हैंड सर्वेयर टूल्स होते हैं इनका नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिकल सर्वेयर टूल्स का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि जीपीएस इक्विपमेंट्स, ट्रांसिट लेवल का यूज़ करना आना चाहिए, और हमें जो वैलिड पीएस लाइसेंस होना चाहिए। ओके, तो आपने बहुत अच्छा बताया भाई स्किल्स। अब हमें ये बताइए कि सर्वेइंग कितने टाइप्स की होती है? सर, दीज आर लैंड मैपिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग, हाइड्रोग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल प्लानिंग, GPS सैटेलाइट सर्वेयर एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, मान लीजिए हमें कोई सर्वे करना है तो कितने तरीके से हम सर्वे कर सकते हैं? सर, इसके बहुत से तरीके हैं जिसे हम सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, पेपर सर्वे, मेल सर्वे, इंटरपर्सन सर्वे और फोकस ग्रुप सर्वे करके, पैनल सर्वे करके हमारे लिए काम ईजी हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए, प्रॉपर्टी लाइन के लिए कोई सर्वे का नाम बता सकते हैं? यस सर, कैडेस्ट्रल सर्वे, और इसका यूज हम लैंड एरिया को कैलकुलेट करने का और प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए करते हैं। ओके, लैंड सर्वेइंग का कोई और एग्जांपल नहीं है आपके पास? यस सर, इसमें हम टोपोग्राफिकल एंड सिटीज सर्वेयर को भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए भाई, अब आप ये बताइए कि वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है? सर, 20 सेकंड। और ऑप्टिकल थियोडोलाइट का? सर, इसका 1 सेकंड होता है। ओके, प्रिस्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट? सर, 30 मिनट्स। और सर्वेयर कंपास का? सर, 15 मिनट्स। चलिए, कैडेस्ट्रल सर्वे के दौरान फील्ड को मेजर करने के लिए कौन कौन सी चेन्स यूज होती है? सर, इसमें मीटर चेन्स यूज होती हैं, इंजीनियरिंग चेन्स यूज होती है, रिवेन्यू चेन्स यूज होती हैं और गंटर चेन यूज होती हैं। ओके, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल्स? यस सर, सर दीज आर डायरेक्ट वर्नियर एंड रिट्रोग्रेड वर्नियर एंड एक्सटेंड वर्नियर। ओके ओके, प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स बताइए। सर, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रीसेक्शन एंड ट्रांसवर्सिंग। ओके, ट्रांसवर्सिंग। यस सर। चलिए, फॉर अ वेल कंडीशन्ड ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन? सर, इट इज 30 डिग्री। ओके, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज? सर, 45 डिग्री। ओके, क्रोस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर वॉट? सर, सेटिंग आउट राइट एंगल्स। ओके, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द True meridian and magnetic meridian at a place is called? Sir, it is declination. Okay. Agate cap is fitted with a? Sir, prismatic compass. Okay. Theodolite is an instrument used for what?
सर मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड वर्टिकल एंगल्स. द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स अ कंप्लीट चेक ऑन सर फोरसाइट बैक साइट एंड इंटरमीडिएट साइट. विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब विल इंक्रीज और डिक्रीज. सर इट विल बी डिक्रीज. वंडरफुल. सेंसिटिवनेस ऑफ अ लेवल ट्यूब इज डिजाइनेटेड बाय सर रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब. क्लोज कॉन्टूर्स विद हायर वैल्यू इनवर्ड्स रिप्रेजेंट्स सर इट्स रिप्रेजेंट हिलॉक्स. द मेथड्स यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन आर सर टर्वेजिंग एंड रिसेक्शन. चलिए सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड अंडुलेटेड एरियाज. ओके ओके. इट इज इन अंडुलेटेड एरियाज दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड. यस सर यस. चलिए मुझे आप ये बताइए मोनिका कि आपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड चूज किया तो सर्वेयर बनने का आपने क्यों सोचा? व्हाट इज द रीजन? सर मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना क्योंकि मेरे फादर एक आर्किटेक्ट है और जो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड इंटरेस्ट है मुझे उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है. और जैसा कि सर इसमें कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क करना होगा तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है और एज आई एम कॉम्पिटिटिव गर्ल आई लव चैलेंजेस. और सर मैथमेटिक्स स्किल्स मेरी बहुत अच्छी है और सिविल इंजीनियरिंग की जो मैं एजुकेशन कर रही थी तब मेरी जियोमेटिक जो है वो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सा नॉलेज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा. एज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और ये एक आउटडोर वर्क है तो मुझे लगता है और साथ में सर मेरी जो एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और ये ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब है एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ये मेरी हॉबीज़ है तो मुझे लगता है मैं इस हॉबीज़ को भी पूरा कर सकती हूँ. और सर मुझे लगता है मैं इसमें अपनी जियोग्राफिकल जो स्किल्स है और मैथमेटिक्स स्किल्स है उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. ओके. सिविल इंजीनियरिंग के मेन प्रोजेक्ट्स के नेम बता सकते हैं आप? यस सर. बताइए. सर रोड्स ब्रिज एयरपोर्ट्स डैम एंड पाइपलाइंस इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स पर ये वर्क करते हैं. मोनिका सर्वेइंग इंजीनियर को किस तरह की एजेंसीज में काम करना होता है? सर इन्हें सर्वेयर सर्विसेज में कंस्ट्रक्शन कंपनीज में और गवर्नमेंट एजेंसीज में वर्क करना होता है. ओके. सर्वेयर इंजीनियर के द्वारा यूज होने वाले इनोवेटिव इक्विपमेंट्स के नेम बता सकते हैं? यस सर. दीज आर एरियल फोटोग्राफ्स लेवल्स एंड जीपीएस एंड सैटेलाइट इमेजरी. ओके. क्या कंप्यूटर प्रोग्राम और लेजर बेस्ड मैनेजमेंट भी सर्वेइंग टूल्स है? सर हाँ जी सर. ये एक मॉडर्न सर्वेयर टूल्स के एग्जांपल्स हैं. ओके. जीपीएस का यूज कहाँ कहाँ होता है बताइए? सर जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इसका यूज हम रोड ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी शिपिंग और कमर्शियल एविएशन के लिए करते हैं. ओके. आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए. सर माय स्ट्रेंथ आर आई एम कॉन्फिडेंट ऑनेस्ट एंड पंचुअल पर्सनैलिटी. और आपकी हॉबीज? सर माय हॉबीज आर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स और मैं गार्डनिंग करना बहुत पसंद करती हूँ सर. ओके. मोनिका अगर हम जॉब के लिए आपको किसी और प्लेस पर भेजते तो क्या आप चलेंगे उस जॉब को करने के लिए? मैनेज कैसे करेंगे अपने आप को? यस सर. सर मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. एज आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी सो आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ एवरी प्लेस. और मैं सर मुझे होम सिकनेस नहीं है. फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम. ओके. मान लीजिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको एंटाइज करता है ज़्यादा पेमेंट देता है तो क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे आने वाले टाइमिंग के अंदर? नो सर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी. मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी और मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन का रोल नहीं करना चाहती सर. आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे? सर सैलरी डजंट मैटर फॉर मी. वर्क इज वर्शिप फॉर मी एंड सैलरी नॉट एन एसेंशियल थिंग. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट. वुड यू लाइक टू वर्क अलोन और इन अ टीम? सर इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माय प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल. और सर मेरा मानना है कि हम अगर टीम में वर्क करते हैं तो हमें अचीवमेंट ज्यादा जल्दी मिलती है और हम सक्सेस को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं. ओके. मोनिका आप जानते हैं इस वर्क के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना होगा तो किस तरीके के लोगों के साथ यू डोंट लाइक टू वर्क विद? सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी. मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूंगी बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद नहीं करूंगी जो लेजी हैं लेथार्जिक है अपने वर्क को लेकर. ओके. मान लीजिए वर्क के दौरान आपको बहुत प्रेशर मिलता है देन हाउ विल यू वर्क इन प्रेशर? सर मैं प्रेशर में कूल एंड काम पर्सनैलिटी रहती हूँ और पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी. ये हमारी लर्निंग स्टेज है तो थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूंगी सर. ओके. चलिए मोनिका आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया. अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियोस को देखते हैं. दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो ऑब्वियस है लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको जरूर देता हूँ. आज की तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों. देखिए फ्रेंड्स अगर आप लास्ट तक इंटरव्यू में रहते हैं तो आज का टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बेस्ड है इंट्रोडक्शन पर. और आपको बताना चाहूंगा एक इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का. यदि आप जाते हैं इंटरव्यू में आप ऐसे सर्वेयर जाते हैं दे विल आस्क यू टेल अबाउट योरसेल्फ. अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चे क्या करते हैं और जब स्टूडेंट्स अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो अपने बारे में कम अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताते हैं.
उनसे ये पूछा जाए आपने बारे में बताइए, हार्डली 3 lines उनकी होती है और सारा कुछ पेरेंट्स के बारे में होता है। तो प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने बारे में आप ज्यादा बताएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी काबिलियत बताएंगे। आप बताएंगे, मैं वर्सेटाइल पर्सन सर, आई कैन एडजस्ट माईसेल्फ एवरीवेयर सर, आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन सर, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, आई एम अ जोवियल पर्सनालिटी सर, आई डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। यदि आप अपनी हॉबीज भी बताते हैं तो जैसा मोनिका ने बताया, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू पर्सनालिटीज आपकी हॉबीज होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको अलग अलग लोगों से मिलना है, नई जगह जाना है, और ट्रैवलिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप स्ट्रेंथ बताते हैं तो ऑब्वियस आपसे इंटरव्यूअर इस स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल होने चाहिए जिसमें आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपने बारे में ज्यादा इलैबोरेट कर सके। इंटरव्यूअर कभी भी क्वेश्चंस लेके नहीं बैठा दोस्तों, जब आप जाते हैं वो आपको देखते हुए, आपके एजुकेशन को देखते हुए। मान लीजिए अगर आप कहते हैं जियोमेट्रिक्स मेरा फेवरेट है, जियोफिजिक्स मेरा फेवरेट है, तो वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ना कि वो कुछ नई बात पूछेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यूअर कभी भी सेटअप करके नहीं बैठे 5 questions, वो सिर्फ ये देखते हैं कि व्यक्ति कैसा पर्सनालिटी, किस जगह से है, किस जगह से पढ़ा है उसने, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, क्या फेवरेट सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू बनाते हैं ऑन द स्पॉट। अब ऑन द स्पॉट बनाने के लिए उनके पास ऐसा नहीं है कि नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, वो आपके ऊपर है कि आप जितने अच्छे आंसर्स देते जाते हैं उतना अच्छा वो इंटरव्यू अगला क्वेश्चन आपसे पूछता जाता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, और इसीलिए एक लाइन कही गई है, द इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट आंसर वी गिव, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा टिप आप अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू और बहुत अच्छे, ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।